लिज्जत खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का चमत्कार, नहीं नहीं चमत्कार नहीं, नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। वो इसलिए क्योंकि जितना आप प्यार मुझे देते हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी उतना ही प्यार आपको दूं, उतनी ही डिशेस आपको बताऊं। आज का चमत्कार होगा अवन का। जी हाँ, आपकी बहुत रिक्वेस्ट ऐसी है कि आपको अवन वाली डिशेस बताई जाएँ, आपको माइक्रोवेव अवन की डिशेस बताई जाएँ। तो शुरुआत करेंगे मुसाका से और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ब्राउनीज बताने की रेसिपी। आधा किलो मटन का कीमा, 6 मीडियम साइज बैंगन, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 कप बेशमल सॉस, 1 छोटा चम्मच गार्लिक बारीक कटा हुआ, 1 कप टोमेटो प्यूरी, तलने के लिए तेल, 2 अंडों की जर्दी, 1 कप चीज़, 1 बड़ा चम्मच मैदा और आधा छोटा चम्मच थाइम। मुसाका के लिए सबसे पहले बैंगन को हम स्लाइसेस में काटेंगे। आप राउंड स्लाइसेस में काट सकते हैं या उसको आधा करके भी काट सकते हैं। मीडियम साइज के आप बैंगन ले लें। ज्यादा बड़े बैंगन की जरूरत नहीं है इस डिश के लिए। इसको ऊपर से ये पत्ते निकाल दें और उसके बाद इसके राउंडल्स काट लें इस तरह से, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले, इस तरह से। अब इस बैंगन के ऊपर नमक लगा के आप रख दें। नमक इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो निकल जाएगा और हमारी लैंग्वेज के अंदर यानी प्रोफेशनल किचन लैंग्वेज में इसको हम डीगॉर्ज करना बोलते हैं। नमक डालें, नमक को अच्छी तरह से इसके ऊपर मल दें और इसको करीब आधे घंटे तक इस तरह से रख दें। इसके बाद गार्लिक चाहिए हमें थोड़ा, उसको हम चॉप कर देंगे। रफली चॉप करना है हमने गार्लिक को। और अब एक बर्तन में थोड़ा मक्खन ले लें, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर डालें बारीक कटा हुआ प्याज, और ये जो हमने गार्लिक काटा है उसको डालें इसके अंदर। और इसको सौते करें इसके अंदर। इसको हमने ज्यादा रंग नहीं देना है, जब तक प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे पकाना है। जब ये प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे मटन का कीमा। ये जो मटन का कीमा है आप चाहें तो फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो जो फ्रोज़न मिलता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना सिर्फ ये है कि जो मटन का कीमा है वो एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब इसके अंदर मटन का कीमा डाल दें। और इसके बाद इसको पकाएं। इसको तेज आंच पर पकाना है। मटन का जो कीमा रहता है उसके अंदर भी फैट रहता है, क्योंकि मटन का जो नेचुरल फैट है वो उसके अंदर रहेगा और उसकी वजह से भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा कि घी और छोड़ा है। और मटन के अंदर, कीमे के अंदर काफ़ी मॉइस्चर रहता है तो उसी मॉइस्चर के अंदर वो पक जाता है। इसके अंदर नमक डाल दें और इसके बाद इसमें हम डालेंगे फ्रेश ब्लैक पेपर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी सी चीज से इसको ग्राइंड करें, आप जिस तरह से भी चाहें ब्लैक पेपर को ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ऐसी चीजों से ग्राइंड करना क्योंकि फ्रेश आपके सामने नजर आता है, आपको जितना चाहिए उतना ग्राइंड आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी फ्लेवरिंग दे देंगे, थाइम की फ्लेवरिंग देंगे हम।
ये ड्राइड थाइम है यहाँ पर, ये एक तरह की हर्ब है जो इसका फ्लेवर ऐसा रहता है जैसे अगर आपने अजवाइन देखी है तो आप अजवाइन को जब स्मेल करते हैं जो उसका फ्लेवर रहता है वही करीबन थाइम का रहता है क्योंकि दोनों सेम फैमिली के हैं। अब ये जो कीमा है ये काफ़ी पक चुका है, इसमें अभी थोड़ी सी कसर है, लेकिन अब इसको हम पकाएंगे इसके अंदर टमाटर डालकर। इसमें जितना मॉइस्चर था, पानी था, उससे जितना इसने पकना था उतना पक चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे कटे हुए टमाटर। और इस टमाटर के साथ अब इसको कुछ देर पकने देंगे। तब तक ये जो बैंगन है हम उनको देख लेते हैं। अब ये देखिए इसमें से इन्होंने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसका जितना पानी है आप उसको निकाल के फेंक दें और इसको आप लगाएंगे मैदे के ऊपर। मैदा ले लें, इसका जितना है पानी निकाल दें और इस तरह से मैदे में रोल करें। इसे जितने ये बैंगन हैं इसको मैदे में इस तरह से रोल करें और एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें क्योंकि ये जो बैंगन है इसको हमने फ्राई करना है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मुसाका है ये कीमा और बैंगन का कॉम्बिनेशन है। वैसे वेजिटेरियन मुसाका भी बनता है, उसमें कीमे का इस्तेमाल नहीं होता। वैसे जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसी डिश को सेम रेसिपी से बना सकते हैं, सिर्फ मटन के कीमे की जगह जो सोयाबीन का कीमा मिलता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमने टमाटर डाला था वो भी इस मटन के साथ कीमे के साथ पक रहा है, लेकिन ये काफ़ी सूखा हो गया। इसके अंदर अब हम डालेंगे टोमेटो प्यूरे और इस टोमेटो प्यूरे के साथ इसको पकाएंगे। और टोमेटो प्यूरे डालने के बाद इसको धीमी आंच पर कुछ देर तक पकने दें। तब तक ये जो बैंगन है हम उसको फ्राई कर लेते हैं। ये बैंगन जो है उसको हमने लाल करना है। इस रेसिपी के लिए हमें व्हाइट सॉस यानी बेशमेल सॉस की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको बहुत बार पहले भी व्हाइट सॉस की रेसिपी बता चुका हूँ, बहुत सिंपल है। इक्वल क्वांटिटीज में आप मैदा और मक्खन ले लें और उसको भूनें, यानी मक्खन को हल्का सा पिघला लें, उसके अंदर मैदा डालें। यदि एक बड़ा चम्मच मैदा है तो एक ही बड़ा चम्मच मक्खन होना चाहिए। उसे हल्का भून लें, तब तक भूनें जब तक जो मैदा है उसकी कच्ची स्मेल ना निकल जाए, उसको कलर बिल्कुल नहीं देना। अब उसके बाद धीरे धीरे उसमें वार्म मिल्क यानी दूध को डालें और हिलाते रहें। ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर आप नमक और वाइट पेपर पाउडर डालें, आपकी वाइट सॉस तैयार। जी हाँ, इतना सिंपल है वाइट सॉस का बनाना। ये जो बैंगन है ये अब लाल हो चुके हैं, ये देखिए। और अब एक बेकिंग डिश के अंदर आप ये जो बैंगन है उसको लगाएं, सारे नहीं, इसको नीचे आप इस तरह से रख दें। और इसके बाद डालें ये जो कीमा बनाया है उसे। इसको फैला दें। और थोड़ा सा थाइम इसके ऊपर डालें।
और इसके बाद ये जो बचे हुए बैंगन हैं इसको लगा दें। आप चाहें तो ये जो बैंगन की क्वांटिटी है इसको बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद ये जो एग योक हैं उसको मिक्स कर लें, और उसके अंदर ये जो वाइट सॉस हमने बनाई हुई है उसे मिलाएं। ये एग योक मिलाने से ये जो वाइट सॉस है ये अच्छी तरह से पकेगी, इसके अंदर स्मूथनेस आएगी और ये अच्छी तरह से सेट होगी इसके ऊपर जब हम इसे पकाएंगे। तो और ये वाइट सॉस और जो हमने अंडे की जर्दी इसमें मिलाई है उसको इसके ऊपर डालेंगे। पूरा इसको चारों तरफ से कवर कर दें और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। चीज़ को ग्रेट करके इसके ऊपर छिड़कें। यदि आपके पास पार्मेसन चीज़ है तो वो स्प्रिंकल करें, नहीं तो ऑर्डिनरी चीज़ भी चलेगा। जो चीज़ आप डालें उसमें कंजूसी नहीं करें। और इसके बाद आप थोड़ा सा थाइम एक बार फिर से स्प्रिंकल कर दें। चीज स्प्रिंकल करने के बाद, थाइम डालने के बाद, इसको हम प्री हीटेड ओवन, यानी एक ऐसा ओवन जिसे पहले से गर्म किया गया है। नॉर्मली ओवन को करीब 10 से 15 मिनट तक प्री हीट करना पड़ता है ताकि वो पहले गर्म हो जाए और उसके बाद जो हम चीज़ रखें उसमें इवन हीट मिले, यानी उस टेम्परेचर पर मिले जैसी कि हमें आवश्यकता है। यहाँ ये देख के आपको लग रहा होगा कि ये मैंने इसको माइक्रोवेव के अंदर डाला है। जी हाँ, आजकल ऐसे माइक्रोवेव आ गए हैं जिसके अंदर कन्वेक्शन भी होता है, माइक्रोवेव भी होता है, तो इसका इस्तेमाल हम सिर्फ कन्वेक्शन के लिए कर रहे हैं। यदि आपके पास ऑर्डिनरी ओवन है तो आप उसके अंदर इसको करीब 12 से 15 मिनट तक पकाएं और आप देखेंगे ऊपर का जो चीज़ है वो हल्का लाल हो चुका होगा। यदि ज़्यादा लाल होना शुरू हो जाए और 12 से 15 मिनट नहीं हुए तब भी निकाल लें, आपका मुसाका तैयार है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि माइक्रोवेव के अंदर केक वगैरह नहीं बनते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि बहुत आराम से बन सकते हैं। और यदि केक के बजाय आप ब्राउनी खाना चाहें तो वो माइक्रोवेव में बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही जल्दी, बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही टेस्टी बन सकती है। देखते हैं ब्राउनी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम चॉकलेट, 2 अंडे, 1 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस, 1/2 कप अखरोट और 90 ग्राम सफ़ेद मक्खन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माइक्रोवेव कुकिंग बहुत आसान है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है यदि आप प्लानिंग कर लें कौन से स्टेप में क्या क्या चीज़ें जानी हैं। यदि आपने पहले से इकट्ठे करके रखी हैं तो मुश्किल ज़रा भी नहीं होगी। ब्राउनी के लिए भी आप उसी तरह से स्टेप वाइज प्रिपरेशन करके पहले रख लें। जैसे कि आप चॉकलेट ले लें, चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हैं, कुकिंग चॉकलेट ले सकते हैं, नहीं तो जो आम तौर से बाज़ार में चॉकलेट मिलती है खाने वाली आप वो ले सकते हैं, और उसको और बटर को हम इकट्ठे मेल्ट करेंगे।
इसमें जो मक्खन है, बटर, वो हम वाइट बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि येलो बटर के अंदर नमक रहता है, इसलिए हम वाइट बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। अब इन दोनों चीज़ों को हम माइक्रोवेव के अंदर करीब 1.5 मिनट तक हाई के ऊपर, यानी जो आपका माइक्रोवेव है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री हीट की है उसके अंदर करीब 1 से 1.5 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये मक्खन और जो चॉकलेट है दोनों अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने चाहिए। जब तक ये मेल्ट होता है हम अंडों को तोड़ लेते हैं। इसमें हम 2 अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रेसिपी के लिए हमें अंडों को फेंटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये जो अखरोट हैं इसे थोड़ा तोड़ लेते हैं। एक बेलन से इसको थोड़ा तोड़ लें ताकि इसके जो पीसेस हैं वो थोड़े छोटे हो जाएं। एकदम चूरा नहीं करना है इसका हमने। अब तक वो चॉकलेट और मक्खन भी पिघल जाना चाहिए। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए चॉकलेट और मक्खन दोनों अच्छी तरह से पिघल गए हैं। इनको मिक्स कर लें और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। इसके बाद अंडे में चीनी मिलाएंगे और उसके बाद हम मैदा उसके अंदर मिक्स करेंगे। अंडों को मिक्स कर लें, एग योक और एग वाइट को, और इसके अंदर पिसी हुई चीनी मिलाएं। और इन दोनों चीजों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। मैदे को थोड़ा छान के डाल सकते हैं। और इसके साथ ही छानेंगे बेकिंग पाउडर, ताकि ये जो बेकिंग पाउडर और मैदा है वो इकट्ठा इसके अंदर जाए और इसकी जो ऊपर उठना है इसका वो एक सार हो। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लें। और इसके अंदर मिलाएं वेनिला एसेंस। एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके बाद ये जो चॉकलेट और मक्खन का मिक्सचर है उसे इसके अंदर डालेंगे। इसको भी मिक्स कर लें। और इसके बाद जो हमने वॉलनट्स यानी अखरोट तोड़े थे उसको इसके अंदर डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लें। इसके बाद इसको बेकिंग डिश के अंदर हम डालेंगे, लेकिन बेकिंग डिश में पहले थोड़ा मक्खन अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लें और इसके बाद इसमें सूखा मैदा डालें और इसको अच्छी तरह से सब तरफ मैदा को घुमा लें। और इसके बाद ये जो बैटर बना है इसको इसके अंदर हम डालेंगे और इसके बाद इसको हम माइक्रोवेव के अंदर डालेंगे।
और इसे भी हाई हीट पे हम पकाएंगे अब 8 मिनट के लिए। और जब ये पक जाएगा उसके बाद इसको निकाल कर आप एक कूलिंग रैक के ऊपर, यानी इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हवा आनी चाहिए ताकि ये ठंडा हो जाए और इसके ऊपर की जो लेयर है वो क्रिस्प हो जाएगी, जैसी कि ब्राउनीज की होनी चाहिए।